हेलो गाइज, गिविंग गेमर रियल वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रिकॉर्डिंग के बारे में फुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि ये मतलब रिप्ले मतलब क्या होता है। ये आपको न्यू अपडेट के बाद देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। फ्री रिकॉर्डिंग सेटिंग गाइज, आपको ये फ्री रिकॉर्डिंग सेटिंग भी मिलने वाला है। साथ में आपको साउंड सेटिंग में क्या होता है एंड साथ में यहाँ पर भी आपको क्या रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, मीडियम रखना चाहिए या यहाँ पर हाई रखना चाहिए, ए टू जेड इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। चलो गाइज, बिना बकवासी के साथ इस वीडियो करते हैं हम चालू। सीधा गाइज, मैं यहाँ पर आपको सेटिंग पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आपको सीधा यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। अगर आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे, पहले बात आप ये समझो, आप रिकॉर्ड अगर करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो या कोई क्लिप निकालना चाहते हो, कोई गेम का क्लिप निकालना चाहते हो, तब गाइज अब आपको काम करना है। अगर आपका मोबाइल लो डिवाइस का है तो आप इसे ऑफ ही रखो, मतलब आप वीडियो मत बनाओ तो इससे बढ़िया। अगर आपका स्टोरेज बहुत कम है, 1 GB का, 2 GB का, अगर आपका डिवाइस है, अगर 16 GB स्टोरेज है या 8 GB स्टोरेज है, उसमें आपका अगर गेम चल रहा है तो समझ लो वे सबसे बड़ी बात है, तो आपका ये रिकॉर्ड होना बहुत ही ज्यादा संभव नहीं है। तो उसके साथ लैग भी बहुत करने वाला है, समझ रहे हो ना। तो मेरा मतलब ये है, तो आप सब समझ रहे हो ना, जो वीडियो बनाना चाहता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कम से कम स्टोरेज ज्यादा रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, डिवाइस में आपका कम से कम 32 GB स्टोरेज या 64 GB, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा कम से कम स्टोरेज आपका रहना चाहिए। अब देखो गाइस, आपको करना क्या है, अब ये सीधा गाइस, अभी मैं यहां पर सेटिंग पर क्लिक करता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट बिना बकवासी के साथ। देखो यहां पर आपको यहां पर ये रिप्लाई वाला जो यहां पर बटन देख पा रहे हो, अगर आपको वीडियो बनाना है सीधा आपको इसे आपको ऑफ यहां पर नहीं करना है, इसे ऑफ नहीं करना है, इसे आपको ऑन कर देना है। अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपको क्या फायदा देखने को मिलता है, आप ये समझो। पहले जब अपडेट, जब मतलब OB39 अपडेट से पहले क्या सेटिंग था कि अब आपको यहां पर प्रोफाइल पर अगर आप क्लिक करते हो, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर मतलब एक ओनली रिप्ले का ऑप्शन दिया जाता था, मतलब ओनली रिप्ले का ऑप्शन दिया जाता था, रिकॉर्डिंग एंड माय वीडियो का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। तो अब आपको 3 चीज देखने को मिलता है, ये रिकॉर्डिंग और माय वीडियो का क्या फायदा होता है ये समझो। पहले आपको यहां पर रिप्ले का ऑप्शन देखने को मिलता था, जब ऑप्शन देखने को मिलता था आप यहां पर से ऑन कर देते थे, ऑन करते थे तो आप यहां पर से क्या कर देते थे, सेव कर देते थे, जब सेव करते थे यहां पर से आप सेव पर से यहां पर से क्या करते थे, यहां पर से आपका भी जो सेव है यहां पर से वीडियो देख सकते थे, नहीं तो आप कहां पर से सेव करते थे, अगर आपका यहां पर से ये ऑन रहता था रिप्ले तो अगर आप गेम खेलते थे, गेम के बाद आपको यहां पर नीचे देखने को मिल जाता था, वहां पर से भी आप ऑन कर देते थे। अब देखो गाइस, आप सब तो ये तो पुराना वाला चीज है, आप सब जानते ही हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको नया यहां पर ऐड किया गया है जो गाइस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो गाइस, जो रिकॉर्ड करना चाहता है इसे आपको ऑन कर देना है। अब देखो गाइस, अभी मैं आपको ये 2 सेटिंग के बारे में नहीं समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा, अभी मैं आपको कारण बताऊंगा। अभी आप इसे यहां पर रुक जाओ, तभी आपको फिलहाल अभी क्या सेटिंग करके रखना है इसके बारे में समझो। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो इसे आपको ऑन कर देना है। एंड सेकंड स्टेप, यहां पर साउंड सेटिंग, यहां पर साउंड, अगर आप गेम का साउंड लेना चाहते हो, मतलब गेम का साउंड आना चाहता है, आपका साउंड नहीं है कि गेम एंड गन सब का जो साउंड आएगा, आप इससे जो रिकॉर्ड करोगे ना उसी का आएगा, अभी आप आगे समझोगे, ठीक है। इसे भी आपको ऑन कर देना है, इससे कोई भी हानि नहीं है, इसे आपको ऑन करके रखना है। जब आप इसे ऑन करके रखोगे तो गाइस यहां पर जो क्वालिटी है, कौन सा क्वालिटी में लेना चाहोगे, तो आप मीडियम में भी आपका अच्छा क्वालिटी आ जाएगा, हाई में भी अच्छा क्वालिटी आ जाएगा, लो में क्यों रखोगे, अगर आप मतलब वीडियो बनाना चाहो क्यों रखोगे, फालतू का आप हाई में रखो, तो इसे आपको हाई करके रखना है, तो आप मीडियम में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसे आपको हाई करके रखना है, इसे आपको ऑन करके रखना है, मतलब रिकॉर्ड साउंड को, ठीक है, एंड आपको रिप्लाई अगर आप वीडियो बना चाहते हो इसे आपको ऑन करके रखना है। अब ये दोनों का मैं बताता हूं, ये दोनों का क्या काम होता है, अब इसके बारे में समझो, ठीक है। यहां पर आप जो देख पा रहे हो, यहां पर जो देख पा रहे हो इन मैच रिकॉर्डिंग, इसमें क्या होगा, अब आप सब समझो। पहले गाइस हम आपको कुछ समझा देते हैं, अभी हम यहां पर ऑन कर देते हैं, दोनों ऑन कर देते हैं। लोबी किसको कहते हैं पहले इसके बारे में समझो। ये जो लोबी होता है, जो आप स्क्वाड के साथ यहां पर जो आप लोबी में रहते हो, जो खड़ा, इसी को हम क्या कहते हैं, लोबी कहते हैं। अपना फ्रेंड को आप बुलाते हो, जो भी बुलाना है कहते हैं लोबी। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आप लोबी को यहां पर से रिकॉर्ड करना चाहते हो, लोबी को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तब आपको यहां पर से स्पेशल ऑन करना है। हमेशा आपको यहां पर से ऑन करके नहीं रखना है, नहीं तो आपका ये लोगो यहां पर मतलब यहां पर शो होगा, ठीक है। अगर आप यहां पर लोबी को रिकॉर्ड करना चाहते हो इस गेम के लिए, अपना फ्रेंड के साथ, अपना फ्रेंड के साथ अगर आप इस रिकॉर्ड से यहां पर बात करोगे तो अपना फ्रेंड से भी आप बात करोगे, समझे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो लोबी, तब गाइस
गाइज आपको यहां पर सेटिंग पर क्लिक करना है, यहां पर से सेटिंग पर क्लिक करना है, रिकॉर्ड पर आना है, तब आपको यहां पर से लोबी को ऑन कर देना है। तब क्या करना है, यहां पर से लोबी को ऑन कर देना है। अभी आपको इन गेम मैच को भी रिकॉर्डिंग को ऑन नहीं करना है, अभी पहले आपको लोबी को यहां पर से रिकॉर्ड कर देना है। जब आप यहां पर से लोबी को यहां पर से जब आप रिकॉर्ड कर दोगे, जैसे यहां पर अभी आप देख पा रहे हो मैं यहां पर लोबी पर रिकॉर्ड कर दिया हूं। अब चलो गाइज हम इस लोबी पर यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने से पहले गाइज हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको कुछ प्रकार को आपको यहां पर देखने को यहां पर मिलेगा। अभी मैंने लोबी से ऑन किया हूं, अभी मैंने क्या बताया, जब अपना लोबी का करना चाहते हो सेटिंग तो यहां रिकॉर्डिंग करना है, यहां पर लोबी पे ऑन कर देना है। अब मैं आपको प्रकार समझा देता हूं, इसमें आपको दो तीन तरह का देखने को मिलता होगा। ये क्या चीज है, अगर आप यहां पर वीडियो पर क्लिक करते हो, ये जो वीडियो जैसा जो आप यहां पर देख पा रहे हो, अगर आप ये वीडियो पर क्लिक करते हो, आपने जो भी इससे वीडियो बनाया है, जो भी इससे वीडियो बनाया है, तो आपका यहां पर सेव हो जाएगा ये रिकॉर्डिंग। यहां पर जो देख पा रहे हो आप लोबी पर भी यहां पर अपना प्रोफाइल पर क्लिक करके यहां पर आ सकते हो। डायरेक्ट आप, मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया, यहां पर आ गया ना, यहां पर से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, जितना भी आपका एमबी का लोबी है। एंड आपके पास स्टोरेज रहेगा तब भी करना, आपका यहां पर स्टोरेज भी शो करेगा। एंड आप इस तरह यहां पर से कर सकते हो, यही काम होता है। अब यहां पर मैं क्लिक करूंगा, ये बीच वाला का मतलब होता है कि आपका यहां पर से आप इससे वीडियो बना सकते हो। एंड ये तीसरा वाला क्या है, ये तीसरा वाला है ये जो कट्टम कुट्टी है जिस पर वीडियो पर, इससे आप ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो डायरेक्ट यहां पर से ये हट जाएगा। एंड अगर आप सेटिंग पर क्लिक करोगे एंड रिकॉर्ड आओगे तो यहां पर देखोगे ये लोबी वाला यहां पर से ऑफ हो चुका है, ये सेफ फायदा होता है। चलो गाइस अभी हम आपको बीच वाला यहां पर अभी ऑन करते हैं। अभी को क्या बोला, अभी मुझे लोबी को रिकॉर्ड करना है, तो सीधा आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, इसे ऑन कर देना है। एंड अभी आपको इस पर क्लिक करना है, अभी हम यहां पर इस पर क्लिक करते हैं। एंड अभी हम रिकॉर्ड यहां पर से चालू कर देते हैं। अभी मैं यहां पर बीच वाला बटन पर क्लिक करता हूं, ये आपका लोगो शो होगा जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, इससे गेम वाला से आपका रिकॉर्ड होगा। तो इसी वजह से ये वाला जो होता है ना, आपको क्या कर देना है, इसे आपको यहां पर से एरो पर क्लिक करके यहां पर आपको किनार कर देना है। कहां कर देना है, किनार कर देना है कि ये आपका शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये शो होगा। ये आपको यहां पर अभी गरीना ने, मतलब गरीना जो कंपनी होती है, अभी इसे मतलब हाइड करने वाला कोई भी अभी मतलब नहीं लाया है। अगर लाएगा तो मैं जोर मतलब आपको यहां पर सेटिंग पर ही आपको देखने को मिल जाएगा अगर हाइड करने का अगर कोई ऑप्शन है। फिलहाल अगर आप इससे रिकॉर्ड करोगे अपना जो लोबी, ये आपका लोगो यहां पर शो होगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहां पर बीच वाला पे अगर मैं बिंडा पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है लोबी। उसी तरह आप रिकॉर्ड यहां पर से ऑन कर देना है, मैंने आपको बताया यहां पर से सेटिंग पर से अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका ये अभी आपको इसे ऑफ ही रखना है। ये मैच वाले को भी क्या करना है, आपको ऑफ ही रखना है। ऑफ रखने के बाद इसे भी आप ऑन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये लोबी खत्म होगा ना, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब देखो गाइज, अभी चलो मैं इसे भी ऑन कर देता हूं, आपको इसे भी ऑन कर देना है। क्या कर देना है, चलो अभी मैं इसे भी ऑन कर देता हूं आपका कंफ्यूज के लिए। अभी मैं ऑन कर दिया, यहां पर देख पा रहा हूं वीडियो बन रहा है, ठीक है। एंड अभी मैं यहां पर से स्टार्ट कर देता हूं गेम। अभी स्टार्ट करने के बाद गेम तब आपको समझ में आएगा। अभी चलो मैं यहां पर वेट करता हूं एंड गेम को अभी यहां पर से मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो लोबी रिकॉर्ड हो रहा है। इतना मिनट के बाद मेरा गेम स्टार्ट हुआ, जो भी मैंने लोबी में किया फिलहाल यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। लेकिन आपका वहाँ पर साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, आपका फ्रेंड का साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ओनली गेम का साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप ये जगह पर जो लोबी जो सेव होना है, जैसे आपने लोबी को रिकॉर्ड कर लिया या आपने लोबी को रिकॉर्ड कर लिया, आप आगे भी जाओ, ठीक है। अभी आपने क्या कर लिया, अभी मैं आपको सेव करने के लिए बताऊंगा आप सेव कैसे करोगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लोबी खत्म वाला है, यहाँ पर ये लोबी खत्म हुआ। लोबी खत्म होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर आपको दोनों रिकॉर्डिंग करके रखना है। जैसे कि मैं मानता हूँ यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक किया। क्लिक करने का मतलब मैं रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आपको दोनों ऑन करके रखना है, यहाँ पर लोबी वाला भी रखना है और मैच वाला भी रखना है। अब एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ अब यहाँ पर आपको करना क्या है। अब आपको यहाँ पर से आपको अभी डायरेक्ट ऑफ यहाँ पर से नहीं करना है, नहीं तो सेव नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर पहले क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक करना, अगर आप पूरा रिकॉर्ड करना चाहते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, सेटिंग पर क्लिक करना है। अगर आप पूरा गेम ही रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, तो ये दोनों को आपको ऑन रहने देना है। जब आपका गेम खत्म होगा, जब मान लेता हूँ ये पूरा आपने बुझा ले लिया, गेम खत्म हो गया, ये दोनों आपको ऑन करके रखना है। आप सब समझ लो, एक सिलेक्ट करोगे ट्रेनिंग भरी जो 30 सेकंड का जो आगे में जो ट्रेनिंग हुआ था वहां तक ही रिकॉर्ड होगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, समझ लो ना। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, बंद करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर से ये सेव हो रहा है। क्या हो रहा है,
ये गेम सेव हो रहा है, ये जब 100% होगा तब ये सेव होगा। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर 90 जितना लंबा होगा इतना टाइम लेगा यहाँ पर सेव होने के लिए। यही सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा गरीना को इसको फास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है कि ये कम क्वालिटी में होता है ना, कम MB में ये सेव करता है। लगभग आपने देखा, लगभग 2 मिनट से मैंने ये ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाया, आपने देखा ना, तो ये कम से कम मतलब समझ लो ये 100 होने दो। चलो अभी आपको आपको समझ में आएगा, जैसे ये भी 100 हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसका क्या काम होगा, इस रिकॉर्ड का क्या काम होगा। अभी पहले गाइस इसको सेव होने दो, तब मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिक अभी सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पर वीडियो भी मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको कैसे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पर सेव होने के बाद कैसा दिखता है। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 100 पास होने के बाद अब कुछ इस तरह का होगा, एंड ये सेव हो गया। अब आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप चाहो तो ये वाला जो आप वीडियो वाला यहाँ पर जो आप चीन देख पा रहे हो, यहाँ पर आप वीडियो वाला इस पर क्लिक करके भी बंद कर सकते हो। नहीं तो आप सेटिंग पर आओगे, एंड सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर आओगे, यहाँ पर से भी आप ऑफ कर सकते हो। दोनों जब आप ऑफ करोगे, यहाँ पर से ऑफ हो गया, लेकिन सेव करके ऑफ करना। अब मैं बताता हूँ वे जो रिकॉर्डिंग होता है ना, इसका क्या फायदा होता है, ये अब आपको कब ऑन करना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया ये अब आपको कब ऑन करना चाहिए रिकॉर्डिंग, अब ये समझो। हेलो गाइजर, अगर आप सब रेडियम कोड लेते हो, कोई भी एप्लीकेशन से रेडियम कोड लेते हो, उसमें आप क्वाइन जमा करते हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो गाइज मैं कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलूंगा, कहीं भी वीडियो भी आपको देखने के लिए नहीं बोलूंगा। सीधा आपको मेरे चैनल पर फर्स्ट कॉमेंट करो या सेकेंड कॉमेंट करो, आपको रेडियम कोड गिफ्ट मिलेगा। 10 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के बीच आपको रेडियम कोड गिफ्ट मिलेगा। अब बोलोगे मंडे भाई, अब आप कोई भी मेरा वीडियो कॉमेंट कर दो। अगर आप मेरे क्रिएटर हो, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो आपको लगता हो कि मैं फेक वीडियो अपलोड करता हूं ना, तो मैं यहां पर बैनर पर नहीं चिपकाता कि 20% आपको पेमेंट से मैं गिफ्ट करता हूं। गाइस 20% जितना भी उसका निकलता है, तो 10 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक मिलता है। अब आपको कैसे देखना है कि मैं प्रूव, आप टेस्ट करो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड कॉमेंट करके देखो। अगर आपको नहीं मिला ना, तो गाइस तब आप सब फेक वीडियो बना सकते हो। आपको मेरे चैनल से कोई भी अगर आप वीडियो बनाते हो, प्लीज यार आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे आप सबको रेडियम कोड गिफ्ट मिले। मेरे तरफ से कोई भी स्ट्राइक नहीं मिलेगा, क्योंकि यार जो करता है वो जो फर्स्ट एंड सेकंड करने में जो माहिर है। तो आप लोग कमेंट करो, एंड आपको कैसे पता करना है कि मेरा फर्स्ट एंड सेकंड कमेंट है कि नहीं है, कैसे मुझे गिफ्ट मिलेगा, सीधा आपको मेरा प्लेलिस्ट पर आना है। आने के बाद सीधा आप यहां पर देखोगे गिविंग गेमर रेडियम कोड गिफ्ट, इस पर आप क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पर, एंड आपको गिविंग गेमर रेडियम कोड पार्ट 3rd वीडियो आपको देख लेना है। इस पर मैं बताया हूं कैसे आपको गिफ्ट मिलेगा, क्या आपको सेटिंग करना है, यह वीडियो पर आप डिटेल। आप लोग इतना सारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना लास्ट में प्लेलिस्ट पर, ठीक है। चलो गाइज अब आप सब वीडियो देखो। जैसे गाइज आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, आप कभी कभी सोचते हो भाई यहाँ पर इनिमी है, यहाँ पर इनिमी है, स्क्वाड इनिमी है, मुझे वीडियो बनाना है, ओपी वीडियो बनेगा, हम वुइया लेने वाले हैं, वीडियो बनाना है। कभी कभी आप सोचते हो ना कि मुझे अब वीडियो बनाना है, मैं कैसे बनाऊं, तो अब आप क्या सोचते हो भाई, अब हम कौन सा एप्लीकेशन ओपन करें, कौन सा एप्लीकेशन ओपन नहीं करें, जिसके पास है तो वह ओपन कर लेता है, तब भी आपको दिमाग में प्रॉब्लम होती है। सीधा तब आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है, एंड रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। ये जो मैच वाला जो रिकॉर्डिंग है, लोबी वाला नहीं, तब मैच वाला जो रिकॉर्डिंग है, इसे आपको ऑन कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, जब ऐसा आएगा तो इसे ओपन कर देना है, एंड इसे यहां पर से स्टार्ट कर देना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये जो आपका है, ये जो है आपका, ये आप कहीं छुपा दो, जिसे आप ऊपर छुपा दो, एंड आप यहां पर से गेम प्ले करो, एंड मारो अपना फ्रेंड को, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर बुइया ले लिए, या आप अपना स्क्वाड को, मतलब 1 मिनट वाला अपने पूरा स्क्वाड को पेल के वीडियो बना लिए, जब सब चीज कर लिए, तो फिर से आपको यहां पर क्लिक करना है, ये आपका जहां पर भी रिकॉर्ड है, एंड यहां पर से आपको एक बार क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक यहां पर इस तरह होने लगेगा, यहां पर जिस तरह सेव हो जाएगा। कितना कम में 30 सेकेंड या 2 मिनट का वीडियो होगा, कितना जल्दी हो गया सेव। सेव होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो मैं बताता हूं, यहां पर से तो मैंने सेव कर लिया, अभी से मैं ऑफ कर देता हूं। इस पर एक बार क्लिक करूंगा, एंड ये जो बगल में यहां पर आप जो देख पा रहे हो ये वाला बटन, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप सेटिंग में भी जाकर क्लिक करोगे, यहां पर से भी आप ऑफ कर सकते हो। बस इसका यही काम है कि आप जिस टाइम वीडियो बनाना चाहते हो, इस टाइम आपको ऑन कर लेना है। और आपको मैंने बता दिया, अगर आप कोई भी मैच खेल लिया, अभी मैं आपको मर के बताता हूं, अगर आपको पूरा अभी मैं मर के आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं समझाता हूं। अभी तो गाइस मैं मर जाता हूं, एंड आपको बताता हूं वे रिप्ले ऑन करने से क्या आपको फायदा होता है। जैसे गाइस आप बुइया ले लिए, या आप मर गए, या आपको कोई मार दिया, अगर आपका गेम जब खत्म होगा, जैसे अभी मेरा गेम खत्म हुआ, गेम खत्म होने के बाद आप बैक करोगे, बैक करने के बाद आप जो भी बैक करोगे, बैक करने के बाद अगर आप तब भी मतलब यहां पर आप देखोगे, यहां पर से आप रिप्ले अगर ऑन कर दोगे,
करोगे आप यहां पर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे पहले आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जब रिकॉर्ड करोगे तो यहां पर आपका सक्सेसफुल्ली हो गया। अभी मैंने यहां पर जो रिकॉर्ड किया हो गया ना ऊपर, जब होने के बाद चलो अभी मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। अगर मान लेता हूं आप यहां पर से रिकॉर्ड करना भूल गए, अगर आपने इसे ऑन करके रखा है तो भूलना भूल गए, तो गाइस आपको इसे हमेशा ऑन करके रखना है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वहां पर से भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, समझ गए पूरा गेम रिकॉर्ड हो रहा है, बस लो भी रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर आप बीच बीच में रिकॉर्ड करना चाहते हो, अगर अपना गेम प्ले स्क्वाड का तो आप चालू करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन आप कितना ओपन करोगे, सीधा आप यहां पर से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यही मुझे गरीना का बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां पर से रिकॉर्डिंग में चाहो तो अगर आपका यहां पर से अगर माय वीडियो पर क्लिक करोगे, अभी मैंने ये 6 मिनट का वीडियो बनाया ना, तो देखो गाइस ये कितना, मतलब अभी लगभग मैंने 6 MB का ये वीडियो बना 21 सेकंड का। अभी मैंने लगभग 3 मिनट का वीडियो बनाया था ना, यही वाला वीडियो था 3 मिनट का, देखो ये 55 MB का बना। मतलब गाइस अगर आप मेरे हिसाब से 18 मिनट का वीडियो बनाओगे इस वाला ऐप से, तो मेरे हिसाब से कि आपको 100 से 150 200 MB का लगने वाला है एक गेम पे। मतलब समझ रहे हो ना, आप यहां पर से चाहो तो इसे डिलीट भी यहां पर से इस तरह कर सकते हो, अगर आप मतलब इसे स्टोरेज भर गया है तो इस तरह आप कर सकते हो। तो एंड आई होप कि अब आप लोग रिकॉर्डर के बारे में फुल डिटेल के साथ समझ गए, रिकॉर्ड सेटिंग रिलेटेड, कि अब आपको इसे ओनली उसी जगह यूज करना है जिस टाइम आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है या जिस टाइम आपको क्लिप निकालना है, नहीं तो आप पूरा भी इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया। एंड आपको इसे हमेशा ऑन रखना है अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, बाद में भी सेव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और नीचे का जो क्वालिटी है, मतलब ये आपको हाई करके रखना है, रिकॉर्ड जो साउंड रिकॉर्ड है इसे भी आपको ऑन करके रखना है। ये दोनों कब यूज करना है आप दोनों समझ ही गए होगे, मतलब आप सब तो समझ ही गए होगे। एंड गाइस अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। इतना मेहनत किया हूं गाइस, एक लाइक जरूर कर देना, अगर मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के मजेदार वीडियो में, टाइम टाइम बाय बाय।